हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का वीडियो थोड़ा सा रिएक्शन एंड डिटेल्स रहने वाला है असैसिन क्रीड मिराज के बारे में। तो याद होगा आपको, मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया था, इसके अंदर बताया था कि असैसिन क्रीड की तरफ से वलहला के बाद में असैसिन क्रीड मिराज जो है वो आने वाला है। तो इसके बारे में उन्होंने ट्रेलर एंड कुछ डिटेल्स जो है शेयर किए थे उनके यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग वो गेम के बारे में, डिटेल्स के बारे में जानेंगे, उसके साथ साथ लास्ट में उसका ट्रेलर भी देखेंगे। आपको जरूर मजा आने वाला है, तो लास्ट तक वीडियो देखिए, बिल्कुल स्किप मत कीजिए। और नए हो चैनल पे तो फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आप गेमिंग कंटेंट में इंटरेस्ट रखते हो तो। ऑल्सो लाइक गेम भी 100 का रखा हुआ है तो उसको भी कंप्लीट करना बिल्कुल भी मत भूलना। चलिए फटाफट से चलते हैं डेस्कटॉप के ऊपर। सबसे पहले बात करेंगे असैसिन क्रीड मिराज जो है उस मेन कैरेक्टर के बारे में। तो यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर है वो है बसीन, और यहाँ पे इसका एज जो है वो 17 इयर्स का एज बताया हुआ है। और बसीन जो है वो, अगर आपने असैसिन क्रीड वलहला के बारे में कुछ जानकारी ली होगी या फिर आपने वो गेम खेला होगा तो आपको पता होगा कि वहाँ पे जो मेन कैरेक्टर है वो ही बसीन है, और यहाँ पे वो 17 इयर्स का बताया हुआ है। मतलब यहाँ पे उन लोग का कहना ये है कि वलहला जो है वो 20 इयर्स बाद में था, और ये जो मिराज है ये 20 इयर्स बैक है वलहला से। तो इसका मतलब ये होता है जो मेन कैरेक्टर है बसीन वो 17 इयर्स का इसमें है, और वो बड़ा होने के बाद में वलहला जो है वो उसके साथ स्टोरी होता है। तो ये थोड़ा मेन कैरेक्टर के बारे में है। ऑल्सो इसका जो फादर है वो समारा बताया हुआ है, और जो फादर है उन्होंने सोली बसीन को जो है वो रेस किया हुआ है। तो जैसे कि आपको पता ही है वलहला में वो बसीन जो है वो ऑलरेडी असैसिन बन गया है, पर यहाँ पे मिराज में वो यंग रहता है, मतलब अभी अभी वो नॉर्मल चोरी करना जो है वो सीखा रहता है, पर उसको असैसिन के बारे में कुछ भी पता नहीं रहता है। तो यहाँ पे इन शॉर्ट अगर बताना चाहूँ तो ये गेम में आप धीरे धीरे प्रोग्रेस करोगे और आपका कैरेक्टर जो बसीन है वो भी धीरे धीरे असैसिन जो है वो सीखने वाला है, और वो किसके साथ सीखने वाला है वो भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जो कि है रोशन, एक फीमेल कैरेक्टर यहाँ पे बताया हुआ है। तो यहाँ पे बेसिकली दो मेन कैरेक्टर रहने वाले हैं, एक बसीन एंड एक रोशन। रोशन फीमेल कैरेक्टर है, और रोशन जो है वो हाईली स्किल्ड असैसिन है एंड हिडन वन बोल सकते हैं, जो कि स्किल्स सिखाएगी बसीन को असैसिन बनने के लिए। और आप बोल सकते हो कि रोशन जो है वो एक तरह से मेंटर रहने वाली है बसीन की, मतलब स्टार्ट टू एंड आपको ये मिलने वाली है। और आपका जैसे कैरेक्टर इवॉल्व होगा गेम के अंदर, आप जब गेम खेलोगे तब आप वो भी एक्सपीरियंस करोगे कि पहले फाइट से जब गेम एंड तक आएगा तब के फाइट में बहुत सारा डिफरेंस आएगा, क्योंकि बसीन जो है वो असैसिन सीख जाएगा जब तक गेम एंड होता है। तो यहाँ पे अलमाउंट करके उसका बर्थ प्लेस बताया हुआ है, जो कि फोर्ट्रेस में हुआ है, नॉर्दर्न माउंटेन्स ऑफ ईरान। ऑल्सो ये जो पूरा गेम का प्लॉट है वो बेस्ड होने वाला है बगदाद में। बसीन का जो आउटफिट है उसको लेवेंटाइन वाइट आउटफिट बताया गया है, जो कि थोड़ा सा अरेबिक स्टाइल को जो है वो मैच करता है, जैसे अरेबिया में शीमैग एंड पॉम्पॉम होता है उसकी तरह इसका डिजाइन दिया हुआ है, ऐसे इन लोगों का कहना है। बाकी यहाँ पे एक सेरेमनी मूवमेंट भी आता है, तो अगर आपने वलहला खेला है या वलहला के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन निकाला तो आपको पता होगा कि जो मेन कैरेक्टर बसीन है उसका एक उंगली जो है वो कटा हुआ रहता है, तो उसके बारे में डिटेल्स जो है वो आपको ये मिराज गेम में पता चलने वाले हैं। तो यहाँ पे एक सेरेमनी मूवमेंट जो है वो फिंगर कटिंग का होता है, तो उसका आंसर आपको शायद यहाँ पे मिल सकता है। तो बेसिकली ये गेम जो रहने वाला है वो पहले हो रहा है वलहला से, तो इसके अंदर जो वलहला में शायद से आपको कुछ क्लियरिटी नहीं था वो यहाँ पे क्लियरिटी मिल जाएगा कि कुछ चीज़ें क्यों है और क्या रीज़न की वजह से वलहला में वो चीज़ें आपको देखने को मिले। नरेटर था यहाँ पे जो गेम के बारे में, मिराज के बारे में बता रहा था, उसने ये बताया कि यहाँ पे ये गेम जो है वो एक लव लेटर की तरह है एंड नरेटिव ड्रिवन गेम रहने वाला है, तो आपको बहुत मजा आएगा खेलने के लिए। जैसे आपने अगर असैसिन क्रीड 1 या 2 खेला होगा तो उसके टाइप का फीलिंग जो है आपको यहाँ पे ये गेम में भी आने वाला है, क्योंकि उन लोग ने थोड़ा सा बैक टू बेसिक्स जाने की कोशिश की है। जो प्लॉट है, जो डिज़ाइन गेम किया हुआ है वो उसी तरह किया हुआ है। ये भी बताया हुआ है कि ये लव लेटर एंड नैरेटिव ड्रिवन गेम होने की वजह से अगर आप एज अ नए गेमर हो, मतलब आपने कभी भी असैसिन सीरीज के कोई भी गेम्स खेले नहीं है, तो उनको भी मजा आएगा। ऑल्सो जो जिसने खेला हुआ है असैसिन क्रीड के पहले वाले गेम्स, तो उनको भी मजा आएगा। और जैसे मैंने आपको बताया, ये पूरा गेम जो है मिराज ये बगदाद में बेस्ड होने वाला है, और डिस्ट्रिक्ट का नाम की बात करें तो यहाँ पे करक बताया हुआ है, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट बाजार होने वाला है जहाँ पे आप बहुत ही अच्छी तरह से पार्कोर वगैरह भी कर सकते हो और असैसिन स्टफ जो है वो भी कर सकते हो। ये ऐसे बाजार टाइप का ये लोकेशन है, काफी अच्छा लोकेशन इन लोगों ने डिजाइन किया हुआ है। यहाँ पे ये इमेज में देख सकते हो, तो आपको बैकग्राउंड में एलिफल पैलेस दिखेगा, जो सेंटर ऑफ
एम्पायर है, मतलब जो एम्पायर है उसका सेंटर ये बताया हुआ है, और ये हाईएस्ट पीक ऑफ सिविलाइजेशन भी, और बोल सकते हैं कि हार्ट ऑफ द सिटी है। और ये सर्कल जो है, मतलब जहाँ पे ये सेंटर ऑफ द एम्पायर है, वहाँ से अगर बाहर की तरफ देखोगे, आउटसाइड ऑफ दिस सर्कल देखोगे, तो वहाँ पे नॉर्मल सिटीज आपको देखने को मिलेगी जो कि डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हुए हैं। जैसे कुछ डिस्ट्रिक्ट डेडिकेटेड है साइंस से, ट्रेडिंग से, इंडस्ट्री से एंड मिलिट्री डिफेंस से, तो ऐसे अलग अलग चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। पूरा गेम जो प्लॉट है उसकी बात करें तो ये मिडल ईस्ट के लोकेशन में किया हुआ है, और जैसे मैंने आपको बताया लाइट डेंसिटी विविड कलर्स वगैरह जो है उसके ऊपर बहुत सारा काम किया है। मतलब अगर आप 1-2 जैसे असैसिन्स क्रीड से अगर खेलोगे तो उसके जैसा फील आपको ये वाले गेम में आएगा, जो कि आपको बहुत मज़ा आएगा। मतलब पुराने गेम्स का थोड़ा सा टच आपको यहाँ पे मिलेगा, तो आपको वो जो रिफ्रेशिंग फीलिंग आएगा विद न्यू कॉन्सेप्ट एंड नए ग्राफिक्स, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो यहाँ पे आप अच्छी तरह से पार्कोर एडवेंचर कर सकते हो, और एक परफेक्ट लोकेशन रहने वाला है असेसिंग स्टफ करने के लिए। अभी थोड़ा सा वेपन्स के बारे में भी बताया हुआ है, तो आपको यहाँ पे कुछ स्मोक बॉम्ब्स देंगे, ऑल्सो लॉट ऑफ टूल्स असेसिंस में मिलेंगे आपको, इंक्लूडिंग थ्रोइंग नाइफ, ब्लो डार्ट, माइंस, नॉइज मेकर, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगे। और ये सारे जो मैंने डिस्कस किए इसको आप फुल्ली अपग्रेड भी कर सकते हो। तो अपग्रेड करने के बाद में आपको अलग अलग स्किन्स भी दिखेंगे और अलग अलग उसके एबिलिटीज भी मिलेंगे गेम के डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में। ऑल्सो यहाँ पे आपको ईगल भी मिलने वाला है, जो एकदम सिग्नेचर है असेसिन में। तो ईगल की हेल्प से आप जो है एनिमीज को लोकेट कर सकते हो, स्पेशली जब आप स्टेल्थ फाइट वगैरह करते हो। और ईगल का नाम यहाँ पे एनकिडू रखा हुआ है, और ये पूरा जो गेम प्ले है वो 10th century में बनने वाला है। ऑल्सो यहाँ पे सिग्नेचर मास्क भी दिया हुआ है। तो मास्क का अगर बात करें तो ये एक पावर एंड प्राइड का सिम्बल होता है। तो यहाँ पे उन लोग ने ये जो आप देख सकते हो एक मास्क जो इन लोग ने ट्रेलर में दिखा हुआ है, और ये जो अभी हम लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये इन लोग ने बेबीलोनियन मास्क बताया हुआ है। ये जो है इनिशियल मास्क है शायद से, और उसके बाद में और भी शायद 10-20 मास्क इसके अंदर है, जो कि आप यूज कर सकते हो आपके मेन कैरेक्टर के ऊपर। तो यही था पूरे गेम के बारे में। आपको क्या लगता है ये गेम के बारे में जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। तो सबसे पहले अभी हम लोग देखते हैं इसका पूरा ट्रेलर, तो आपको बहुत मजा आएगा। मेरे को स्पेशली इसका जो म्यूजिक है काफी अच्छा लगा, बाकी ग्राफिक भी मतलब अच्छा ही है, ठीक ठाक नहीं बोल सकते, उससे ऊपर है, पर म्यूजिक से जो फील आ रहा है ना वो काफ़ी मज़ा आ रहा है। थोड़ा अरेबिक स्टाइल जो पूरा एशियंट थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते रहता है ना म्यूजिक, तो उसमें बहुत मज़ा आता है। तो चलिए फटाफट से देखते हैं ट्रेलर, और फिर आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये गेम कैसा लगा। Are you ready to give up who you once thought you were? I am. Ready to sacrifice everything you held close. I am. Are you ready to leave your life behind? Option, your option. And walk the path of shadows? I am. Then out of the dark, you will come into the light. And from the light, you will return to the dark. ये देखो ये उंगली कटने वाला सी। Never forget the tenets you have sworn to uphold. Stay your blade from the flesh of the innocent. Hide in plain sight. Never compromise the brotherhood. Okay.
this day forward, you are a hidden one. Assassin's Creed Mirage नेक्स्ट ईयर आपको देखने को मिलेगा, तो आप बताना आपको कैसा लगा ट्रेलर कमेंट सेक्शन में, और पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। 100 लाइक्स का एम हर वीडियो को रखा हुआ है, तो इसको भी रखा हुआ है, जरूर कंप्लीट करवा देना। और कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि आपको ऐसे रिएक्शन टाइप के वीडियोस पसंद आ रहे हैं, अगर आ रहे तो हम लोग और भी रिएक्शंस करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपको अगले और एक्साइटिंग वीडियोस में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।